YouTube चैनल में मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। टेक के साथ एजुकेशनल भी वीडियोस लाता रहता हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और आपके दोस्तों में भी ये ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाना दोस्तों। तो अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में। मेरा एक वीडियो जो व्हाट्सएप के इंटरनल सेटिंग्स के बारे में मैंने जानकारी दी है, सारी डिटेल्स, इंटरनल सेटिंग्स किस तरह की जाती है वो पूरी डिटेल्स का एक वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप स्टेटस की, उसमें आया वीडियो स्टेटस और आया हम जो लिखते हैं अबाउट के अंदर वो स्टेटस हम किस तरह कॉपी करेंगे या किस तरह वो सेव करेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं सीधे मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही टेक वीडियोस सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जब हम जाते हैं स्टेटस के अंदर तो कुछ स्टेटस हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और वो स्टेटस हम क्या कर, वीडियो स्टेटस या इमेजेस हमें बहुत पसंद आ जाते हैं तो वो हम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये हम स्टेटस देखते हैं, इसे जब हम यहाँ से टाइप करके डाउनलोड करना चाहते हैं तब ये यहाँ से डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो फिर हम ये किस तरह हमें डाउनलोड करना है या किस तरह हम ये ले सकते हैं तो वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये इस ऐप, इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको लेना नहीं है या किसी भी एप्स को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है आपके फाइल मैनेजर के अंदर, व्हाट्सएप का फोल्डर हम यहाँ पर सर्च करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम व्हाट्सएप का फोल्डर सर्च किया है, यहाँ पर मीडिया, यहाँ पर ये मीडिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इस मीडिया के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, ये थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर लिखना है शो हिडन फाइल्स, इसको आपको ऑन करना है दोस्तों। जैसे ही आप ऑन करोगे तो आप यहां देख सकोगे स्टेटस, यहां पर ये फोल्डर यहां पर आ चुका है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जो भी स्टेटस हमने अभी देखे थे वो स्टेटस, सबसे पहले जो स्टेटस मैं देखा था वो स्टेटस आपको यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसी स्टेटस को आप यहां से सेंड कर सकते हो, यहां ऐड टू एल्बम के अंदर आप इसे ले सकते हो, किसी भी एक फोल्डर के अंदर आप इसे सेव कर सकते हो या क्रिएट न्यू फोल्डर स्टेटस इस तरह का एक फोल्डर बना सकते हो और एडेड टू एल्बम, इस तरह ये फोटो आपके गैलरी में ऐड हो सकता है दोस्तों। आपके पास फाइल एक्सप्लोरर अगर ना हो तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आप जरूर ले सकते हो, प्ले स्टोर में जाकर कोई भी एक फाइल मैनेजर का एप्लीकेशन आप ले सकते हो। सबसे ज्यादा पॉपुलर एक एप्लीकेशन फाइल मैनेजर का है ES फाइल एक्सप्लोरर। इस फाइल एक्सप्लोरर को आप डाउनलोड करके आपके मोबाइल के अंदर ले सकते हो और इसी में उसी तरह सेटिंग कर शो हिडन फाइल जब आप करोगे तो स्टेटस, आप वीडियो स्टेटस हो या इमेजेस स्टेटस हो, जो भी स्टेटस हो इसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये अबाउट एंड फोन नंबर में कुछ मैसेजेस भी, फिर इसे किस तरह कॉपी करना है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा दोस्तों। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लेना पड़ेगा दोस्तों, तो आपको वो प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है यूनिवर्सल कॉपी, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहे तो वहां से ले सकते हो। सबसे पहले यूनिवर्सल कॉपी के अंदर आपको जाना है, सबसे पहले इसे आपको सेटिंग्स के अंदर कुछ सेटिंग्स करना होगा दोस्तों, इसे सबसे पहले आपको इनेबल करना है दोस्तों। तो इनेबल करने के पहले वो सेटिंग्स मांगेगा, ओपन सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है दोस्तों और यहाँ पर जहाँ यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी में आप जब देखोगे तो यूनिवर्सल कॉपी ये यहाँ पर दिखाई देगा, इसको आपको सिर्फ ऑन करना है दोस्तों। तो वो पूछेगा, ऑन की परमिशन मांगेगा, तो यहाँ से ओके कर लेना है और फिर से आपको वापस जाना है दोस्तों और यहाँ पर इसे ऑन कर लेना है। इस तरह जब आप ऑन करोगे तो आप कोई भी स्टेटस स्क्रीन के ऊपर, कुछ भी मैसेज हो, जो भी आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे, तो ये मैं वापिस यहाँ पर ले रहा हूँ, ये ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे ही ओपन करूंगा तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर ड्रॉप डाउन में जाना है और यहाँ पर यूनिवर्सल कॉपी का एक ये दिख रहा है दोस्तों, विंडोज दिख रहा है, इसे आपको सिर्फ क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो एक ब्लू लाइन पूरे आपको मोबाइल में
चारों तरफ वो ब्लू लाइन आएगी और वो ब्लू लाइन में आप जहां चाहो उंगली रखोगे तो वो कॉपी यहां से कर लेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने यहां टच किया, ये कॉपी का ऑप्शन यहां पर आया है, यहां से भी आप कॉपी करो। इसके बाद यहां शेयर का ऑप्शन है, यहां शेयर कर सकते हो, यहां से आप ये कॉपी कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरी की ये दो वीडियो भी जरूर देखें और इस वीडियो को आपके दोस्तों तक जरूर फैलाएं दोस्तों। और एक टारगेट आपके सामने है दोस्तों, कम से कम 500 लाइक इस वीडियो को आना चाहिए दोस्तों। तो प्लीज एक लाइक तो जरूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।